हेलीकॉप्टर से हुई बकरियावाली गांव में बेटी की विदाई। हेलीकॉप्टर को देख ग्रामीणों की जुटी भारी भीड़। गांव बकरियावाली की बेटी ज्योति पुनिया पुत्री संतलाल पुनिया जी की शादी 13 मई 2023 शनिवार को भादरा के नजदीक शेरडा के दयाराम बेरवाल के सुपुत्र विनय बेरवाल के साथ हुई। ज्योति की विदाई उड़न खटोला यानी की हेलीकॉप्टर में हुई। आज 14 अप्रैल को सुबह गाँव बकरियावाली में अचानक आए इस हेलीकॉप्टर को देख कर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पिता पुरुषोत्तम ने अपनी बेटी ज्योति को हेलीकॉप्टर से खुशी खुशी विदा किया। दुल्हे विनय बेरवाल ने बताया कि उनका यह सपना था कि वो अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेकर आएंगे और आज उनका यह सपना पूरा हो रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए विनय के पिता दयाराम ने बताया कि हमारे घर दुल्हन नहीं बल्कि एक बेटी जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा जिला के गाँव बकरियावाली में, जहाँ पर पूनिया परिवार की बेटी की शादी राजस्थान के शेरडा गांव में हुई है और आप ये देख सकते हैं इस वक्त हेलीकॉप्टर में यहां की बेटी जो है वो हेलीकॉप्टर में जाएगी अपने ससुराल। आप इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतर चुका है और उतरने के बाद अब जो है यहाँ की बेटी जो है पुरुषोत्तम पूनिया की बेटी है ज्योति पूनिया, जिनकी शादी शेरडा गांव में हुई है और शेरडा गांव में अपने ससुराल में जो है वो यहाँ की बेटी ज्योति पूनिया सपुत्री पुरुषोत्तम पूनिया वो यहाँ से इस हेलीकॉप्टर में यहाँ से विदा होगी अपने घर से और अपने ससुराल जाएगी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सिरसा जिला के गांव बकरियावाली की, जहां आप ये हेलीकॉप्टर देख सकते हैं हेलीपैड पर अभी उतरा है और यहां की बेटी है ज्योति पूनिया पुत्री पुरुषोत्तम पूनिया वो यहां से विदा होकर जाएगी अपने घर से इस हेलीकॉप्टर की में डोली रूप में बैठकर यहां से राजस्थान के भादरा के नजदीक गांव शेरडा में पहुंचेगी। तो आप तस्वीरें देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। तस्वीरों में हम आपको आगे की तस्वीरों में दिखाएंगे कि बेटी यहां की ज्योति पुनिया वो इस हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने ससुराल जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरों में आपने देखा कि आज यहाँ की बेटी विदा होकर हेलीकॉप्टर में अपने ससुराल जा रही है। हम आपको बता दें कि गांव बकरियावाली के पुरुषोत्तम कुमार की बेटी ज्योति पूनिया की शादी शेरडा गांव में बेनीवाल परिवार में हुई है। दूल्हा हेलीकॉप्टर के द्वारा दुल्हन को लेकर जा रहा है। दूल्हे ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये हमारे घर दुल्हन बनकर नहीं बेटी बनकर जा रही है, जो समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। तो तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नहीं, ये स्टार्टिंग से ही पापा की थोड़ी इच्छा थी। अच्छा, कि एक लौता है, बोले शादी करें तो बोले धूमधाम से होनी चाहिए। एक हेलीकॉप्टर आज तक गांव में आया नहीं था, बोले हेलीकॉप्टर से निकासी करवाएंगे भी नहीं, तो उस हिसाब से था। ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से हेलीकॉप्टर के द्वारा दुल्हन को ले जाना पूरा समाज के लिए आप क्या कुछ संदेश देंगे? क्या बेटी की खुशी के लिए या दुल्हन की खुशी के लिए कोई भी इच्छा हो दुल्हन की तो वो करना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ दुल्हन ना बोलने तो ज्यादा बेटर है। अगली भी बेटी लेके जा रहे हैं घर पे भी, तो उनकी खुशी के लिए कुछ अच्छा छोटा मोटा हो सके तो ज्यादा बेटर है। ज्योति, आपके गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर है, आपको लेने के लिए दूल्हे राजा हेलीकॉप्टर से आपको लेके जा रहे हैं, कितनी खुशी? बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड। आपको पहले पता था या फिर? नहीं, मुझे पहले से पता था, लेकिन ये सरप्राइज था वैसे। अच्छा, तो अब क्या कुछ, कितनी खुशी, प्राउड कर रहे हैं अपने पापा पे, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ज्यादा, सच्ची में हर जन्म ऐसे पापा मिले सबको। बेटी सारी आज की हेलीकॉप्टर द्वारा जान लग रही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, गम होड़ी को नहीं अच्छी बात होगी। तो जैसा कि यहाँ पर दुल्हन से बात करने उन्होंने बताया है कि ये उनके लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पर शिक्षा जिला के अंदर जो अगर बात करें तो शिक्षा जिला के जो गांव है बकरियावाली से यहाँ पर ये जो बेटी है हेलीकॉप्टर से अपनी जो विदाई है यहाँ से रवाना होगी और
ससुराल में जो है पहुंचेगी। तमाम अपडेट के साथ देखते रहिए न्यूज 40 हरियाणा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सुनील लालवाल, धन्यवाद।